हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीत डिलीशियस फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा। मेन इंग्रेडिएंट्स में है राजमा। 250 ग्राम राजमा को मैंने 4 घंटे के लिए सोख करके रख दिया है। हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल कश्मीरी मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। अब राजमा को कुकर में बॉईल कर लेते हैं सीटी आने तक। कुकर में मैं 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर लूँगी, 1 दालचीनी की स्टिक। अब हम बॉईल करने के लिए रख देंगे गैस पर। मीनवाइल हम राजमा का मसाला रेडी कर लेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है, अब उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लूँगी। मैं इसमें 1 बिग स्पून ऑयल ऐड कर लूँगी। अब हम ऐड करेंगे 1 स्पून ज़ीरा, 1 स्पून ऑनियन। हल्के ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसे स्टर करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून। अब हम ऐड करेंगे हल्दी 1 स्पून, 1 बिग स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 स्पून। अब हम ऐड कर लेंगे टोमेटो प्यूरे 1 स्पून। जब तक ग्रेवी से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसे बॉईल करेंगे, पकाते रहेंगे। राजमा का मसाला एकदम बनकर रेडी हो चुका है। मैंने दाल को अच्छे से बॉईल कर लिया था, अब ये एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम दाल को मसाले में ऐड कर लेंगे। अब हम राजमा को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी एंड थोड़ा सा गरम मसाला। फिर 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसका पानी जो है राजमा का वो ऐड कर लेंगे इसके बीच में। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे राजमा का पानी। अब एक बॉयल आने तक हम इसे पका लेते हैं। फ्रेंड्स, राजमा बनकर रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।